नमस्कार दोस्तों, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा जिस प्रकार का दुश्मन होता है युद्ध में, उसी प्रकार का हथियार यूज किया जाता है। दोस्तों, भारत ने एक बार सेम टू सेम किया है, भारत ने एक बार फिर से पूरे दुनिया को हिला दिया है, अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लिया है। और बड़ी बात तो यह है कि केवल 15 दिन में चीन और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का दोस्तों बात किया है, बोला है कि अब महीना दिन नहीं, केवल 15 दिन के भीतर में ही पाकिस्तान और चीन दोनों को युद्ध के मैदान में खतरनाक तरीका से हराया जाएगा। और हमारे पास बहुत बढ़िया तैयारी है, इस तैयारी के सामने तो अमेरिका, रसिया, पूरी दुनिया भी फैला है। दोस्तों, ये खबर देख के यहाँ तक कि पूरे यूरोप का थिंक टैंक भी चौंका गया कि आखिरकार मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया। दोस्तों, यह एक बेहद ही खतरनाक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में दोस्तों या तो युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर कुछ देश मिट जाएगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार मोदी सरकार ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला क्यों लिया है और क्यों पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, एक बार में दो देश यानी कि पाकिस्तान और चाइना यानी कि टू फ्रंट वार के लिए दोस्तों भारत अब तैयार है। और कह सकते हैं कि 15 दिन में पाकिस्तान चाइना को गायब करने का बहुत बड़ा खतरनाक चल चला है। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान और चीन में तहलका मचा दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं जब से गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीन सैनिक आपस में भिड़ गया और दोस्तों भारत का भी सैनिक शहीद हो गया, उसके बाद तो भारत में दोस्तों देशभक्ति का लहर पैदा हो गया और बच्चा बच्चा बोल रहा है कि भारत माता की जय, जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, चीन का सामान बायकॉट करेंगे। दोस्तों, दिन रात एक करके सब अब काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ थिंक टैंक था ना, खासतौर पर कुछ बुद्धिजीवी था भारत का, जो टीवी पे रोज आता था, यानी कि टीवी डिबेट में रोज आता था और खासतौर पर बड़े बड़े डिंगे हाँकता था, बोलता था कि मान लो अगर भारत और चीन में युद्ध हो जाए तो भारत कैसे जीत पाएगा, भारत तो हार जाएगा। दोस्तों, ये बात भारत के बुद्धिजीवी बोल रहा था और यही बात चीन के ग्लोबल टाइम्स बोल रहा था और चीन सरकार बोल रहा था कि हम भारत को हरा देंगे, हम भी अटैक कर देंगे, पाकिस्तान भी अटैक कर देगा, भारत हमसे जीत नहीं पाएगा, भारत को भयंकर नुकसान होगा, भारत को हम आदि मानव काल में पहुंचा देंगे। दोस्तों, इस तरह का धमकी चीन देता था। और बड़ी बात तो यह है कि यही बात हमारा थिंक टैंक बोलता था कि आखिरकार हम जीतेंगे कैसे, चीन से तो हम पंगा ले रहे हैं, पाकिस्तान तो पंगा तो ले रहा है, लेकिन दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है, दोनों हम पे अटैक कर देगा, हम तो हार जाएंगे, चीन के पास 23 लाख सैनिक है, पाकिस्तान के पास 7 लाख सैनिक है, दोनों मिला के 30 लाख सैनिक हो गया, चीन के पास बहुत हथियार है, परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास बहुत परमाणु बम है, भारत तो पिछड़ा हुआ है, कैसे जीतेंगे। दोस्तों, इस तरह का आरोप टीवी चैनल पे लगता था और सब सरकार खेल रहा था और बोल रहा था कि मोदी सरकार जनता का जान खतरे में डाल रहा है, अगर युद्ध होगा तो यहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का सब डिंगे हाँक रहा था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है ना, भारत सरकार ने क्या ऐलान किया है, बोला है कि अरे भैया ये सब बेकार की बातें हैं, हम तो 15 दिन में ही खत्म कर देंगे। दोस्तों, आप चलिए जानते हैं आखिरकार सरकार ये कैसे करेगा, जो काम चाइना एक साल में नहीं कर पाएगा भारत सरकार 15 दिनों युद्ध कैसे खत्म करेगा। दोस्तों, अब चलिए हम लोग शुरू से एक एक पॉइंट जानते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब अब युद्ध होगा पाकिस्तान से या चाइना से तो समझ लीजिए दो फ्रंट वार होगा, चाइना भी अटैक करेगा और पाकिस्तान भी करेगा। और दोस्तों, यहाँ पे भारत अकेला दोनों से युद्ध लड़ेगा। भारत ने एक प्लान बनाया, पता है क्या प्लान बनाया, भारत ने अब सिंपल प्लान बनाया है, भारत समझ गया है कि इस दुनिया में अब केवल दो ही आदमी का पावर है, नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगा। दोस्तों, भारत समझ गया है कि या तो तुम खुद ताकतवर बन जाओ, तुम दबंग बन जाओ, तुम्हारे पास दम होना चाहिए, तुम्हारे पास हथियार होना चाहिए, जिस प्रकार अमेरिका हथियार रखता है और किसी को धमकाता है, दूसरा तरीका है या फिर सिरफरे हो जाओ, यानी कि कुछ भी करो, लोगों के मन में डर होना चाहिए कि आदमी कुछ कर सकता है। दोस्तों, जैसे नॉर्थ कोरिया में, अमेरिका इतना देश है लेकिन सब जानता है कि किम जोंग कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, उसके पास कुछ नहीं है, केवल न्यूक्लियर हथियार है, फिर भी अमेरिका को धमकाता है। दोस्तों, भारत समझता है कि हम तो एक पावरफुल देश है, हमारे पास सब कुछ है, जनसंख्या है, हमारा अर्थव्यवस्था है, हमारा सेना दुनिया में चौथा नंबर आता है सैन्य में, हम तो पावरफुल है, लेकिन फिर भी हम चीन से क्यों डरे। जब नॉर्थ कोरिया अमेरिका को हरा सकता है, जब नॉर्थ कोरिया पूरे यूरोप को धमकी दे सकता है, तो हम तो अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, हमारा इतिहास गौरवशाली था, अब तो हम चाहे तो चीन और पाकिस्तान को मिटा सकते हैं। और दोस्तों, उसी नीति भारत काम कर रहा है और उसने बहुत बड़ा खतरनाक फैसला लिया है। चलिए हम लोग जानते हैं किस प्रकार भारत युद्ध करेगा। देखिए, भारत ने इस बार साफ साफ दुनिया को संदेश दिया कि पहले हम किसी पे कोई पत्थर नहीं फेंकेंगे, किसी को आँख नहीं दिखाएंगे, कोई हमें आँख दिखाता है, पत्थर फेंकता है तो हम केवल चुप रहेंगे, उसे ईंट नहीं फेंकेंगे, लेकिन कोई हम पे केवल ईंट फेंकता है तो हम गुस्से में लाल हो जाएंगे और इस ईंट का जवाब हम लोग बुलडोजर से देंगे, बुलडोजर लाएंगे, उसे फोड़ डालेंगे। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई ज़बरदस्ती हमें युद्ध में उसकाता है, युद्ध में लाता है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई हमें ज़बरदस्ती युद्ध में ला देता है मैदान में, उस समय हम क्या करेंगे, पूरा पावर लगा देंगे, कोई
40 साल का भी कहे ना हमारे सेना को मारा हो, हमारे बॉर्डर पे कुछ भी कहे ना हो, एक ही बम कहे ना मारे, एक ही मिसाइल क्यों ना मारे, लेकिन हम पूरा मिसाइल दागेंगे। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि अगर तुम हमको उकसाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि जिस दिन कोई युद्ध होगा ना तो हम लोग महीना दिन नहीं खींचेंगे, हम लोग केवल 15 दिन का एक टारगेट रखे दोस्तों, जिसका नाम दिया गया है 15 डेज वार। दोस्तों ये वार पूरी तरह से इंटेंस वार होगा, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से खतरनाक वार होगा। यहाँ पे भारत सरकार सब कुछ करेगा, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएगा। भारत के पास जितना एयरफोर्स है, जितना नेवी है, जितना आर्मी है, भारत के पास जितना गोले बारूद है, टैंक है, सब कुछ उतार देगा, यहाँ तक कि अपना तमाम मिसाइल तैनात कर देगा। यानी कि रोज दोस्तों खतरनाक युद्ध होगा, भारत पूरे मैदान में धुआं धुआं कर देगा, चाइना पाकिस्तान को का दिखा देगा। दोस्तों ये वार केवल 2 दिन ही भारी पड़ेगा, जैसे ही वार शुरू होगा ना, मान लीजिए चाइना भारत में युद्ध शुरू हो गया, पाकिस्तान और भारत में युद्ध शुरू हो गया, दोस्तों ये वार 2 ही दिन होगा ना, उसे पूरे दुनिया भर कम मर जाएगा, क्योंकि भारत दोस्तों यहाँ पे साफ कर दिया कि कोई हमें हल्का भी छेड़ेगा तो उसको हम पूरा जवाब देंगे। और भारत लगातार सब मिसाइल मारेगा, अटैक करेगा, धुआं धुआं होगा। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक अमेरिका और रसिया मैदान में कूदेगा, वो जानता है कि अगर यहाँ पे भारत को नहीं रोकेंगे तो यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा और पूरे साउथ एशिया, पूरे चाइना सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए ऑटोमेटिक सी बात है, पूरा यूरोप और अमेरिका, यहाँ तक कि रसिया सब मैदान में आ जाएगा। और दोस्तों जैसे ही 3-4 रोज होगा तो देखेंगे दुनिया के तमाम देश शांति के लिए पहल करेगा, और देखेंगे उस समय चाइना खुद ही हथियार रख देगा, पाकिस्तान खुद ही हथियार रख देगा, क्योंकि अमेरिका रसिया यूरोप सब चीन पे दबाव बनाएगा, पाकिस्तान पे दबाव बनाएगा। दोस्तों मैं पहले ही आपको बोल दिया भारत युद्ध छेड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि हम युद्ध छेड़ेंगे नहीं, भारत जवाब देगा और भारत जवाब पूरी तरह से देगा। तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान को मजबूरी में रुकना ही होगा, पीछे हटना ही होगा। और बाय द वे दोस्तों ये वार 4 से 10 दिन चल गया तो देखेंगे पूरी दुनिया एक हो जाएगा और चाइना पाकिस्तान को अलग थलग कर देगा, और देखेंगे एक ग्रुप बन जाएगा, वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए भारत के पास जितना हथियार है ना, केवल 10 दिन में फोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान और चीन में धुआं धुआं हो जाएगा, पूरे दुनिया एक होना तय है। दोस्तों सब बोलेगा कि अब तो कुछ करना होगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत ने गेम चला है, बोला है कि या तो हम चुप रहेंगे, कोई हमें उसकाएगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों आप पूछेंगे चलो मान लेते हैं ये वार 10 दिन में खत्म नहीं हुआ, 15 दिन तक चला, तो भारत वहाँ पे क्या करेगा, भारत के पास क्या ऑप्शन है, भारत तो यहाँ पे हार जाएगा। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे ही 10 दिन हुआ वार का, अगर फिर भी वार खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो भारत के पास परमाणु हथियार है, भारत अब परमाणु हथियार अपना सिंपल सी बात है अपनाएगा। भारत ने साफ कर दिया कि हमने परमाणु बम बनाए हैं अपना सुरक्षा के लिए, दिवाली फोड़ने के लिए नहीं। और दोस्तों जैसे ही 10 दिन होगा या तो देखेंगे भारत अपना परमाणु बम तैनात करेगा, और दोस्तों यहाँ पे पूरी दुनिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोस्तों परमाणु बम से पूरी दुनिया को खतरा, सब जानता है कि ये बम छिड़ गया तो निर्दोष जो भी देश है वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरी दुनिया आ जाएगा और समझ जाएगा कि यहाँ पे अब बड़ा कुछ होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे चाइना को भी पीछे होना पड़ेगा, चाइना जानता है कि भारत के पास 150 परमाणु हथियार है, वो जानता है कि भारत केवल 50 परमाणु हथियार चीन में गिरा देना और पाकिस्तान में केवल 10 गिरा दे तो दोनों देश खत्म हो जाएगा। और दोस्तों चाइना भी जानता है कि भारत में हम 20 गिरा दे तो भारत भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तीनों देश लपटा जाएगा, पाकिस्तान, चाइना, भारत और साथ ही छोटा मोटा तमाम देश दोस्तों लपटा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 15 दिन से अधिक युद्ध नहीं चलेगा, 15 दिन से पहले ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा। और भारत ने साफ कर दिया है कि हम 15 दिन में युद्ध खत्म करके दिखाएंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे तो क्या इससे पहले भारत के पास कोई रणनीति नहीं था, भारत कैसे युद्ध लड़ता था? देखिए दोस्तों भारत के पास पहले एक नियम था, उसका कहना था कि हम किसी से युद्ध करेंगे ना तो 40 दिन तक युद्ध करेंगे, 40 दिन तक हमारे पास सब कुछ स्टॉक है, हमारे पास मिसाइल है, हथियार है, सब कुछ है, 40 दिन तक हम लोग युद्ध करेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा युद्ध करेंगे, यानी कि सिंपल से युद्ध करेंगे, युद्ध में हम पूरा नहीं जाएंगे। दोस्तों पहले का नियम ये था, पहले क्या नियम था, युद्ध में हम पूरा नहीं जाएंगे, हल्का हल्का युद्ध करेंगे और हल्का हल्का आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब हल्का नहीं, अब पूरा अटैक होगा, कोई हमको छेड़ेगा तो हम उस पर पूरा अटैक कर देंगे और उसे तहस नहस कर देंगे। दोस्तों नियम यह हो गया कि पहले 40 दिन था, अब 15 दिन हो गया, 15 दिन में सब कुछ खत्म होगा, 15 दिन में तहस नहस होगा, जिसको जो करना है कर रहे, जितना पावर दिखाना है दिखा ले। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे हम मान लेते हैं यहाँ पे रसिया अमेरिका यूरोप नहीं कूदेगा, हम मान लेते हैं ये युद्ध 15 से अधिक दिन चलेगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे परमाणु बम कोई फोड़ नहीं पाए, सब प्रेशर बन जाए, तो भारत यहाँ क्या करेगा, भारत तो हार देगा। देखिए दोस्तों उसके लिए भी ऑप्शन है, भारत जानता है कि जैसे 10 से 12 दिन युद्ध को होगा, भारत को पता चल जाएगा कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है, यानी कि जैसे ही युद्ध शुरुआत होगा 10 से 12 दिन होगा,
भारत समझ जाएगा ये युद्ध लंबा चलने वाला है और भारत क्या करेगा, इमरजेंसी में हथियार मांगेगा। दोस्तों ऐसा नियम होता है, इमरजेंसी में जिस हथियार का दाम 1 रुपया होता है उसका दोस्तों बदले में 2 रुपया देके खरीदेगा। यानी कि जो गोले भारत पहले मिलता था 50 रुपया में वो मिलेगा 100 रुपया में। यानी कि इमरजेंसी में भारत सबसे खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, रूस से खरीदेगा, फ्रांस से खरीदेगा। दोस्तों ये ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 15 दिन में सब कुछ करने का प्लान अब बन चुका है। अब चाहे अमेरिका हो या फिर रसिया हो, सब जानता है कि अगर चाइना भारत से युद्ध करा तो हम लोग को केवल 5 दिन के भीतर ही कूदना पड़ेगा। और जैसे 5 दिन से अधिक हुआ तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना संभव है, दुनिया में कुछ भी तबाही आ सकता है। दोस्तों भारत ने एक अच्छा चाल चला है और यही बात रामायण और गीता में कहा गया है कि दुश्मन को बड़े हथियार से मारो, यानी कि छोटा छोटा करके मत मारो, बड़े हथियार से मारो, के बारे में खत्म कर दो। और दोस्तों उसी नीति पर भारत सरकार अब काम कर रहा है।